हेलो दोस्तों, अगर आप भी यूट्यूबर हैं और आप भी अगर चाहते हैं कि आप यूट्यूब को कॉन्टेक्ट कर सकें अपने क्वेश्चन का या किसी प्रॉब्लम का, आप उनसे कोई भी आंसर ले सकें, तो आप कैसे लें? क्योंकि जब तक आपका चैनल में मोनेटाइजेशन ऑन नहीं हो जाती, आपका चैनल थोड़ा बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक आपको यूट्यूब की तरफ से ईमेल ऑप्शन नहीं मिलता है। जब भी आप अगर यूट्यूबर एक हैं तो आपको बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती होंगी यूट्यूब की, कुछ अपडेट्स के तहत या फिर कॉपीराइट के तहत या फिर आपकी मोनेटाइजेशन ऑन होते समय आपकी बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जब आपको यूट्यूब को कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। तो जब तक आपका ईमेल ऑप्शन नहीं है तो आप यूट्यूब को कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे? आप जब कम्युनिटी टैब या स्टोरी टैब ओपन होने वाला होता है तब भी आप यूट्यूब को ईमेल करना चाहते हैं, पर आप नहीं कर पाते क्योंकि आपको यूट्यूब ने ईमेल ऑप्शन नहीं दे रखा है। अगर सभी को यूट्यूब ईमेल ऑप्शन दे देगा फ्रेंड्स, तो सब लोग उसको मैसेज कर 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 परेशान करेंगे। इसीलिए यूट्यूब उन्हीं को ईमेल ऑप्शन देता है जो काफ़ी प्रोफेशनल चैनल होते हैं, जिन पर यूट्यूब पर विश्वास होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए या फिर कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो आपको यूट्यूब से कैसे बातचीत करनी होगी, आप यूट्यूब से बातचीत कैसे कर सकते हैं लाइव चैट के माध्यम से? तो देखिए, आपने देखा होगा यूट्यूब के फीडबैक में, अगर आप कभी भी यूट्यूब को फीडबैक करते हैं तो कभी भी उसका आंसर नहीं आता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर कोई भी कह देता है कि फीडबैक का आंसर आता है तो मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स फीडबैक का आंसर बहुत ही ऐसा है, मतलब बिल्कुल आते ही नहीं, कभी आंसर नहीं आता, क्योंकि फीडबैक ऑप्शन जो होता है वो आपके मैसेज को सिर्फ सेव कर लेता है, बाकी यूट्यूब से कभी भी कॉन्टेक्ट नहीं करता है। अब मैं आपको बता दूँ कि आपको बातचीत कैसे करनी है यूट्यूब से। तो फ्रेंड्स, सबसे बढ़िया तरीका है ट्विटर। अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो आप यूट्यूब से लाइव चैट से कोई भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, कुछ भी आंसर पूछ सकते हैं, आपको यूट्यूब पूरा रिप्लाई देगा। तो फ्रेंड्स, ट्विटर एक ऐसा माध्यम है कि आप उससे किसी भी, मतलब आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब इंडिया से बात कर सकते हैं। अगर आपको ट्विटर चलाना नहीं आता तो मैं सब इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ आपको, मैं बताऊँगा कि आपको यूट्यूब इंडिया से ट्विटर से बात कैसे करनी है। सबसे पहले आपको एक ट्विटर डाउनलोड कर लेना होगा, फिर वहां पे जाकर यूट्यूब इंडिया को या फिर डायरेक्ट यूट्यूब को आपको वहां पर टाइप करना होगा, और वहां पर ट्वीट के ऑप्शन से आपको अपनी ट्वीट लेनी होगी, और उसमें आपको जो भी आंसर बोलना है, जो भी क्वेश्चन बोलना है, आप मतलब जो भी प्रॉब्लम है आप सब टाइप कर सकते हैं। पर उसमें मैं आपको दो चीज बता दूं, अगर आप उन दो चीज का ध्यान रखेंगे तभी आपको यूट्यूब ट्वीट पर रिप्लाई आएगा, मतलब ट्विटर आपको रिप्लाई देगा, अन्यथा आपको कोई भी रिप्लाई मिलने वाला नहीं है। देखिए, पहला आपको इंग्लिश में बात करनी होगी ट्विटर से। आपका जो मतलब मैसेज, मतलब आप तैयार करेंगे, जो भी आप अपनी पोस्ट तैयार करेंगे, ट्वीट करेंगे यूट्यूब को, वो आपको प्योर इंग्लिश ग्रामर में लिखनी होगी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप व्हाट्सएप वाली इंग्लिश नहीं यूज कर सकते, क्योंकि व्हाट्सएप वाली इंग्लिश एक तरीके से इंग्लिश होती ही नहीं है, आपको प्योर इंग्लिश ग्रामर यूज करना होगा। क्योंकि यूट्यूब जो होता है, यूट्यूब का मेन फॉरम होता है फ्रेंड्स न्यूयॉर्क में, वहां से आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किया जाता है, और वहां पर इतना हिंदी का प्रचलन नहीं है, इसीलिए आप यूट्यूब इंडिया से जब डायरेक्ट इंग्लिश में बात करेंगे तो आपका रिप्लाई जो होता है बहुत जल्दी आता है, और यूट्यूब आपको ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई देगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इंग्लिश में आप प्योर अपने क्वेश्चन बिल्कुल टाइप कीजिए, आपको यूट्यूब इंडिया लिखना होगा, फिर अपने नीचे जो भी आपको प्रॉब्लम है वो लिखिए, यूट्यूब चैनल के लिंक दे दीजिए, अपने चैनल का नाम दे दीजिए, अपना नाम दे दीजिए, और यूट्यूब को ट्वीट कर दीजिए। ये तो पहला तरीका था जिसमें आपको यूट्यूब से ट्वीट करने के लिए मैंने बताया। अब दूसरा मैं आपको बता दूं, आप जब इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तभी आपको यूट्यूब रिप्लाई देगा, अन्यथा कोई भी रिप्लाई नहीं देगा, चाहे ट्विटर हो चाहे कोई भी हो। क्योंकि फ्रेंड्स, आप यूट्यूब से उन्हीं क्वेश्चन का, कोई भी आपको प्रश्न है तो आप उन्हीं से ऐसा प्रश्न कीजिए जो यूनिक हो। आप ऐसे गिने चुने प्रश्न मत यूज कीजिए, जैसे कि मेरे कम्युनिटी टैब कब ओपन होगा, मेरा स्टोरी टैब कब ओपन होगा, वो तो ऐसी चीजें होती है जब आपके टारगेट पूरा हो जाएगा आपको ऑटोमेटिक ओपन कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका टारगेट मतलब पूरा होता है, आपका 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, तैसे ही 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आपका कम्युनिटी टैब ओपन कर दिया जाता है। तो यूट्यूब को बेफालतू में परेशान मत कीजिएगा, कोई भी आलतू फालतू के क्वेश्चन मत पूछिएगा। कुछ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई यूनिक क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है जो हम लोग भी यूट्यूबर्स भी आपको नहीं बता पा रहे हैं अपनी वीडियो में या फिर कमेंट में या फिर कोई भी तरीके से, तब आप जाके यूट्यूब इंडिया से कॉन्टेक्ट कीजिए, अपना क्वेश्चन रखिए, और आप उससे पूरी तरीके से आप बातचीत कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स, चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे, लाइव आपको ट्वीट करके दिखाता हूँ यूट्यूब से, आप भी उसे ट्वीट करके बातचीत कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना, आपको प्योर इंग्लिश ग्रामर में अपनी बातचीत करनी है, आप चाहे किसी भी ईमेल से भी अगर आप बात करेंगे तब भी आपको इंग्लिश का ही यूज करना होता है, और आपको कोई आलतू फालतू के क्वेश्चन यूट्यूब से नहीं पूछने हैं।
तभी आपको YouTube का आपका जो कॉन्टेक्ट है मजबूत होगा, आपका YouTube आपके ऊपर भरोसा करेगा और आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया करेगा। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अगर वीडियो में बताई जाने वाली कोई बात अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच पाए। तो चलता हूँ फ्रेंड्स अपने मोबाइल स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ कि आप यूट्यूब को ट्विटर के थ्रू कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप अपने आंसर का मतलब क्वेश्चन का रिप्लाई ले सकते हैं यूट्यूब से। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ट्विटर के माध्यम से यूट्यूब से तुरंत उसका आंसर ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल भी ट्विटर चलाना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूँ कि आपको सबसे पहले प्ले स्टोर खोलना है। प्ले स्टोर खोलने के बाद में आपको यहाँ से यहाँ पे टाइप करना है ट्विटर। तो जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे ट्विटर, तो आपके सामने से शो होने लगेगा। आपको उसको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद में देखिए यह है ट्विटर। अगर आपको उसका लाइट ऐप चाहिए तो आप उसका लाइट ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरे पास अपडेट का ऑप्शन है, तो मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आपको यहाँ पे ट्विटर पे आ जाना है। ट्विटर पे आने के बाद आपको उसको ओपन कर लेना है। तो आगे मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बता रहा हूँ, आपको समझते जाना है। देखिए ट्विटर को ओपन करने के बाद में जब ये ओपन हो जाए, तो आपको यहाँ पे एक सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है टीम यूट्यूब। तो आप जैसे यहाँ पे टीम यूट्यूब लिखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे यूट्यूब का सजेस्टेड होने लगेगा। तो यहाँ देखिए टीम यूट्यूब का पेज आ चुका है हमारे सामने। अब आपको यहाँ पे इसको पहले तो सबसे पहले इसको फॉलो कर लेना है। तो मैंने इसको ऑलरेडी फॉलोइंग किया था, पहले आपको उसको ऐसे करके फॉलो कर लेना है। फॉलो करने के बाद यहाँ पे बेल बटन दिख रही होगी, इसको प्रेस कर लेना है। जब आप इसको बेल बटन को प्रेस करेंगे तो आपको इसकी सारी नोटिफिकेशन मिल जाएंगी यूट्यूब की, और आप यूट्यूब से पूरी तरीके अपडेट रहेंगे। अब आपको यहाँ पे जब आपको वो पंख जैसा ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे आपको जो भी टाइप करना है आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, आपको यूट्यूब टीम से इंग्लिश में बात करनी होती है, तो आप इसे यूट्यूब टीम से इंग्लिश में ही बात कर सकते हैं। और यहाँ पे इंग्लिश में आपको पूरा टाइपिंग कर लेनी है, जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल पर बता रहा हूँ। तो अगर आपको इंग्लिश में टाइपिंग नहीं करनी आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे यूट्यूब से टाइपिंग में बात करनी है। तो आपको ये व्हाट्सअप वाली इंग्लिश नहीं यूज़ करनी है, आपको प्योर इंग्लिश ग्रामर यूज़ करनी है। तो यहाँ पे आपको जैसे हेलो यूट्यूब टीम, तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसे अपनी प्रॉब्लम जो है आप टाइप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप इस वाले ऑप्शन से आप अपने किसी फ़ोटो को लगा सकते हैं, किसी भी फ़ोटो को। और यहाँ पे इस बगल जिप वाले ऑप्शन से जो जिप लिखा है, इसमें आप वो जिप लगा सकते हैं, अपनी लोकेशन लगा सकते हैं। बाकी सारा आप इसमें अपना जो जो इसमें लगाना चाहते हैं पूरा सिस्टम तैयार करके, आप जैसे ही ट्वीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप ट्वीट कर सकते हैं यूट्यूब को। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही था। आप यहाँ से बहुत ही आसानी से यूट्यूब को ट्वीट कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन है यूट्यूब आपको 24 घंटे के अंदर अंदर रिप्लाई कर देता है। तो यूट्यूब को ट्वीट करना बहुत कठिन नहीं है, बस आपको एक दो बार उसको देख लेना है, जान लेना है, फिर आप बहुत आसानी से यूट्यूब को ट्वीट कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, यहीं पर अपनी वीडियो को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।